everyone. I hope you all are doing well. My whole YouTube family, मेरी FB की family, मेरी परिवार, मेरे रिश्तेदार, नातेदार, सभी सभी मेरे friends, सभी मजे में होंगे. बजट इस दिन का हमें हमेशा ही बहुत इंतजार रहता है और इस साल तो बजट का इंतजार कुछ और अधिक था. कारण हम सभी जानते हैं 2020 ने हमें 19-20 का जो फर्क दिखाया, जो महामारी से हम जूझे और अभी भी स्टिल ऐसा नहीं है, ओवरकम हो गए. तो ऐसे में डूबते को तिनके का सहारा. हम सबको बहुत उम्मीदें थी हमारे बजट से और कल जब हमारा बजट पढ़ा जा रहा था तो हम सभी एक टक होके उसे टकटकी लगा के देख रहे थे, अब हमें क्या मिले, अब हमें क्या मिले. हर वर्ग की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन थी और होती है हर साल. और वैसा ही हुआ. बजट जैसे ही कंप्लीट पढ़ा गया उसके बाद हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच थी. शेयर मार्केट की दृष्टि से कहें तो उन्होंने तो बहुत पॉजिटिव लिया इसे, वो हम सब देख सकते हैं दो दिन से मार्केट किस तरह बढ़ा. लेकिन शेयर मार्केट पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करता. हर वर्ग की अपनी अपनी सोच होती है और अपने अपने थॉट होते हैं और वही हुआ. सबके अपने अलग अलग रिएक्शन थे. किसी ने बहुत अच्छा कहा तो किसी ने बहुत खराब तो किसी ने बीच में. सबकी अपनी अपनी सोच है. लेकिन एज ए साधारण हाउसवाइफ या होम मेकर या एक सर्विस क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास और थोड़े बहुत जो छोटे लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनकी क्या सोच है, जिसमें उनमें से एक मैं भी हूँ, वो मैं कह सकती हूँ. सबसे मुझे क्या उम्मीद थी मेरे तरह के लोगों के लिए, सबसे पहले तो मुझे यही उम्मीद थी कि जरूर हमें कोई टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा. तो वो तो नहीं था. 75 years से ऊपर वालों को कुछ छूटे, वो भी विद टर्म्स एंड कंडीशंस थी. तो वो एक थोड़ा लगा, लेकिन सोचा कोई नहीं, कट परिस्थितियां भी कट थी. और एक उम्मीद सबसे ज्यादा जो थी वो मुझे थी कि जो इस साल लास्ट ईयर इस वायरस के कारण जो इतने लोगों को जो जॉब करने वाले हैं दुकानों में, छोटी छोटी पोस्ट पे और बड़े कई, कितने लोगों के जॉब चले गए थे, कितने लोगों की सैलरी 25% कट हो गई, किसी की 10%. पूरी उम्मीद थी कि उनके लिए जरूर कोई इमीडिएट कोई इस तरह का एक सर दिया जाएगा गाइडलाइन कि उन्हें कम से कम उनकी वापस पुरानी सैलरी दी जाए. या जो लोग एक बेरोजगार हो गए हैं, बहुत छोटे तबके में काम करते हैं डेली पे, उनके लिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए कोई कुछ एक डिक्लेयर होगा. तो जितना मैंने समझा ऐसा तो कुछ था नहीं. लेकिन हाँ, बहुत कुछ योजनाएं हैं, स्पेशली जैसे कोइंसिडेंटली जैसे हमारे स्टेट में अभी इलेक्शन भी आने वाला है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ जैसे बहुत सारा प्रोजेक्ट आए हैं कि यहाँ इतने पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, तो जाहिर है लोगों को काम मिलेगा. तो वो तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो जानना अभी बाकी है. और हेल्थ से रिलेटेड कुछ फैसिलिटी जो है वो मिलनी उम्मीद भी थी और मिली है तो अच्छा ही है. और लेकिन साधारण व्यक्ति के हाथ में जैसे हम लोगों ने एंड ऑफ द डे देखा तो अपने हाथ में वैसा कुछ आता दिखा नहीं. और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े टर्म्स हैं वो तो एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें प्राइवेटाइज से जो गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है उन्हें हम लोगों के हाथ में दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सब चीज़ों का तो क्या रिएक्शन होगा, क्या बाद में होगा. किसानों से भी जैसे बहुत हर साल की तरह बहुत सी फैसिलिटी दी गई, लेकिन साथ ही साथ कुछ साधारण किसानों से पूछा गया तो उन्होंने कहा पता नहीं कब होगा, एज सच मुझे हमें अभी नहीं लगता कि तुरंत कोई बहुत लाभ होगा. तो सोच अपनी अपनी अलग अलग तरीके से है, लेकिन एक साधारण पब्लिक की नज़र में अगर हम देखेंगे तो एज सच इमीडिएटली तो कुछ जो जितनी उम्मीदें थी कि भाई इंस्टेंटली कुछ राहत मिलेगी, वैसा कुछ मिला नहीं. और भविष्य में इन्वेस्टमेंट होंगे अगर और प्रोग्रेस होगी देश की कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत कुछ था देश में, अगर ये सब कंस्ट्रक्शन के काम होंगे और डेवलपमेंट होंगे तो बहुत अच्छा ही है. तो अगर ऐसा सच बाद में देखें, और लेकिन हाँ एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में बजट बनाना जो हर साल नॉर्मल परिस्थितियों में भी सबको खुशी नहीं दे सकता, तो इन परिस्थितियों में बजट बनाना जाहिर बात है सरकार के लिए भी इतना सरल नहीं था कि ओवरऑल सबको कुछ कर सके, सबको कुछ दे सके. तो आशा कर सकते हैं
कि जो भी प्लान्स, जो भी हमारा बजट आया है, जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट हो। तो एज ए होल जो नीचे तबके के हमारे जैसे साधारण लोगों को, अपर लेवल सब जो बिजनेस में जिनको जो जो जितने नुकसान में, उनको हम लोग ओवरकम करके एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। और एक डूबते को तिनके का सहारा, उम्मीद तो यही है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा इमीडिएटली और होगा जिससे हम लोग सब सुरक्षित हों। और सबसे बड़ी बात है, अभी भी जो महामारी ने पूरा, ये तो नहीं हमने विजय पा ली, अभी भी साधारण लोगों तक तो अभी दवाई भी नहीं पहुंची है, वैक्सीन भी। तो सबसे पहले तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि ये बजट जो भी लाया है हमारे लिए, पिटारा पूरा शायद हम समझ नहीं पाए, खोले इसकी एक एक चीजें, तो हम सभी को इससे लाभ पहुंचे और हम सब स्वस्थ रहें और हमें इस महामारी से मुक्ति मिले और एज ए होल नॉर्मल लाइफ लीड सकें, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से हम लोग स्ट्रांग हों और अपने अपने जो जिंदगी के गोल हैं उन्हें हम अचीव कर सकें। और शेयर मार्केट के बारे में तो यही कहूँगी, उन्होंने पॉजिटिव दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो लोग देते हैं, वहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये तो नहीं कह सकते कि कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया, उससे हमें लाभ भी होगा। और बहुत सी चीजें जो उम्मीद थी, हो सकता है धीरे धीरे ओवर द पीरियड इन सब बारे में सरकार जरूर सोच रही है और कुछ प्लान है भी। जैसे अभी जो इन्वेस्टमेंट आएंगे, लोगों को रोजगार तो जरूर मिलेगा, लेकिन जिनको अभी एट प्रेजेंट जिनके डिडक्शन हो गए सैलरी में, उन सब के लिए भी इमीडिएटली कुछ ना कुछ ऐसा हो कि सबको, साधारण पब्लिक को तुरंत लाभ मिले तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है जब धीरे धीरे जब चीजें खुलेंगी तो दिन में समझ में आएगा, डिटेल में इम्प्लीमेंट होने लगेंगी, तो हम सभी को क्या जरूर जरूर लाभ होगा। फ्रेंड्स, जो एक साधारण होम मेकर आप कह सकते हैं या छोटे मोटे ट्रेडर या कुछ भी कह सकते हैं, उस दृष्टि से जो मुझे लगा बजट इस साल का, वो मैंने कहा, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे, जाहिर बात है सबको लाभ होगा, सबको लाभ हो यही आशा कर सकती हूँ। और उससे पहले तो यही चाहूंगी, सबसे पहले तो हम सब इस महामारी से बचें, इसका एक जल्दी से जल्दी पूरे विश्व से ये नाम भी हट जाए और हम सब सुरक्षित हों, सब एक सुंदर और खुशहाल नॉर्मल जिंदगी जी सके। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे कहूंगी कि टॉपिक दीजिएगा, जैसे शेयर मार्केट वाले में म्यूचुअल फंड के लिए बोला गया कि बोले, उस पर तो बोलूंगी ही, और भी किसी भी विषय पे अगर आप लोग चाहते हैं और आपको लगा कि एक साधारण मास के लिए एज ए हाउस वाइफ मैं और भी कुछ किसी टॉपिक पे बोल सकती हूँ, तो मुझे जरूर सजेशन दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसे शेयर कीजिए। और हाउस वाइफ को यही कह सकती हूँ कि अभी तो उम्मीद है, अभी तो जस्ट कल खुला ही है, बजट निकला ही है, इस पिटारे में से हमें भी जरूर मिलेगा, हम यही आशा कर सकते हैं। सबका जीवन सुखमय हो और अच्छे लोगों का, यही चाहती हूँ। गॉड सेव अस ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।